अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफान। आज एक बार फिर कंसेप्ट जॉब मैच की जानिब से हम हाजिर हैं। आज हमने डिस्कस करना है कि पहले वाला जो हमारे पास टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल, उसी वीडियो में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग एंगल के अलावा जो तीसरा हमारे पास एक टाइप था एंगल का, उसका नाम क्या था और इसके प्रॉपर्टीज क्या है। तो आज उसी को डिस्कस करना है कि उसका नाम क्या है और इसके प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है और ये कहाँ पाए। स्टार्ट लेते हैं कि ये हमारे पास पहला वाला जो टॉपिक था कि अगर टू पैरेलल लाइन हो एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो फिर इसमें हमारे पास ये जो या ये एंगल ले ले और इसके अलावा ये, अगर हम इसी डायरेक्शन से इसको देख ले तो फिर इसको क्या कहते हैं, करिस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहते हैं, करिस्पॉन्डिंग एंगल। और करिस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास एफ शेप के है। क्या है एफ, ये वाला ये क्या है, करिस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास एफ शेप के थे। और इसके अलावा जो हमारे पास ये, अगर ये एंगल हो और यहां पर दूसरा हो तो फिर इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल। यानी अल्टरनेट एंगल हमारे पास क्या, वो जेड शेप के थे। इसी तरह ये जो अल्टरनेट एंगल है ये हमेशा के लिए आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। एफ और जेड के अलावा ये जो हमारे पास एक एंगल है, एंगल ये वाला और दूसरा ये पूछना था कि इसको क्या कहते हैं, इस एंगल का नाम क्या है और इसमें प्रॉपर्टीज कौन कौन से है। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज है वो ये है, अगर हम इसी एंगल को ले ले और इसी को ले ले तो इन दोनों का जो समेशन है, जो मजमुआ है, वो टोटल किस चीज के बराबर है, वो टोटल 180 डिग्री के बराबर है। क्या है, 180 डिग्री। और ये हमारे पास क्या है, सी शेप के है। इसी तरह ये वाला एंगल और ये जो इंटीरियर एंगल है इसके, ये वाला, इन दोनों का जो समेशन है वो 180 के बराबर है। और इसको कहते हैं, इसका नाम है अलाइड एंगल। ये इसको क्या कहते हैं, ये अलाइड एंगल है, ये इसका नाम है अलाइड एंगल। यानी अलाइड एंगल का जो दोनों का मजमुआ है वो 180 के बराबर है और ये क्या है, सी शेप के है। यानी ये हमारा आज का टॉपिक था। जो आज का मेन टॉपिक था वो क्या था, अलाइड एंगल। क्या अलाइड एंगल क्या होते हैं, इसमें जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है। तो मुझे यकीन है कि इसी के मुताबिक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा भी हाजिर होंगे। अगर इसी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के जहन में है तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम जरूर जवाब देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।